हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस बाय हिरेन गुरी सर में। आज आपके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अलग अलग तरह के नेटवर्क होते हैं, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है आपकी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जामिनेशन के लिए और साथ ही साथ नॉलेज पर्पज के लिए भी। यदि आपने कभी भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिए हो दोस्तों, या प्रैक्टिस सेट लगाए हो उन एग्जाम्स के जिनमें कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है, तो आपने ये जरूर नोटिस करा होगा कि वहां पे आपसे ऐसे सवाल जरूर पूछ लेते कि लेनका का फुल फॉर्म है, मेनका क्या फुल फॉर्म है, केन के फुल फॉर्म में सी का क्या मतलब होता है, पेन के फुल फॉर्म में पी का क्या मतलब है। अगर कोई नेटवर्क पूरी कंट्री में फैला हुआ है तो निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क हो सकता है, इंटरनेट निम्नलिखित में से किस तरह के नेटवर्क का एग्जाम्पल है। अगर कोई नेटवर्क आपके स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपस में है तो निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क होगा। तो आप देखते हैं कि आपके एग्जाम्स में एब्रीवेशन पर आधारित क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ आजकल आपसे कंसेप्शनल क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं दोस्तों, लॉजिकल क्वेश्चंस भी अलग अलग नेटवर्क से पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। एग्जामिनर आपसे अलग अलग नेटवर्क के बारे में भी पूछ लेता है दोस्तों, घुमा फिरा के पूछने की कोशिश करता है, कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो इन्हीं सारी चीजों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हम अलग अलग नेटवर्क के एब्रीवेशन तो देखेंगे ही, साथ ही साथ उन नेटवर्क को अच्छे से डिटेल में भी समझेंगे, ताकि एग्जामिनर हमसे कितना भी घुमा फिरा कर क्यों ना पूछे, हम उसके द्वारा पूछे गए सवालों का आंसर दे सके और अधिक से अधिक मार्क लाकर हमारा सिलेक्शन पक्का कर सके। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन पर यह मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर है। इसके पहले मैं एक वीडियो लेक्चर और बना चुका हूं नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन पर, जिसमें मैंने आपको बताया कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। साथ ही साथ उस वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी डिस्कस करी है, दुनिया का पहला नेटवर्क अर्पानेट। अर्पानेट के बारे में भी आपको मैंने उस वीडियो लेक्चर में अच्छे से बताया। आप लोग जानते हैं कि आपके पेपर में अर्पानेट से सवाल आते हैं, अगर आप नहीं जानते तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि अर्पानेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, उसका फुल फॉर्म भी आता है, ठीक है दोस्तों। तो उस वीडियो लेक्चर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई कार्ड में भी दे दूंगा, तो उस पहले लेक्चर को आप देखें, उसके बाद ही आप इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए बिना आपका महत्वपूर्ण समय गवाए हम शुरू करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेटवर्क को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तो उनकी साइज के आधार पे कि भौगोलिक दृष्टिकोण से वो नेटवर्क कितने फैले हुए हैं, जियोमेट्रिकली वो नेटवर्क कितने एरिया को कवर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा, उस नेटवर्क के एप्लीकेशन या यूजेस के आधार पर कि किस पर्पस के लिए वो नेटवर्क यूज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, हम नेटवर्क को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला साइज के आधार पर, दूसरा उस नेटवर्क के यूजेस के आधार पे कि उस नेटवर्क की उपयोगिता क्या है, पर्पस क्या है उस नेटवर्क का। इन दो तरीके से हम नेटवर्क को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला नेटवर्क जो आपको पढ़ना है दोस्तों, वो होता है आपका लेन। क्या फुल फॉर्म होता होगा दोस्तों लेन का? बहुत ही सिंपल सवाल पूछ लिया सर ने, है ना, ये तो सब बच्चों को पता होगा। लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। चलो मान लो आपके छोटे भाई बहन ने आपसे पूछ लिया कि भैया लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, समझाओ हमको। वेरी गुड, आप लोग बोल रहे हैं कि सर ऐसा नेटवर्क जो एक सीमित क्षेत्र में होता होगा, छोटे एरिया में होता होगा, वो नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि ऐसा नेटवर्क जो एक कमरे में होता होगा सर, वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना, चलो हम इसको ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई नेटवर्क ऐसा है जो एक कमरे के अंदर है, तब वो लोकल एरिया नेटवर्क तो ही है दोस्तों। पर मान लीजिए आपने अपने घर के एक रूम से दूसरे रूम को कनेक्ट कर दिया, तब वो लोकल एरिया नेटवर्क है कि नहीं है, है ना। मान लीजिए कोई एक ऐसा नेटवर्क है जो आपके पूरे के पूरे घर में है, तब भी वो लोकल एरिया नेटवर्क है, बिल्कुल है। ऐसा कोई नेटवर्क जो एक ऑफिस में होगा दोस्तों, वो भी लोकल एरिया नेटवर्क होगा कि नहीं होगा? होगा। अब आप बोलेंगे सर इतना घुमा फिरा के मत बताओ, हम समझते हैं कि ऐसा नेटवर्क जो किसी एक बिल्डिंग में होता होगा वो भी लोकल एरिया नेटवर्क होता होगा। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। तो ऐसा नेटवर्क जो रूम, बिल्डिंग, ऑफिस, घर इनमें होता है दोस्तों, वो नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग के अंदर ही होता है। अब ऐसा जरूरी है क्या दोस्तों कि लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग के अंदर ही होगा? मान लीजिए आप इस बिल्डिंग में रहते हैं और रोड के उस पार एक दूसरी बिल्डिंग है, या आप इस बिल्डिंग में रहते हो और आपके घर के पास में ही एक और बिल्डिंग है। अब आप इस बिल्डिंग से रोड के उस पार वाली बिल्डिंग को कनेक्ट कर रहे हैं, इस बिल्डिंग से अपने पास में ही एक और जो बिल्डिंग है उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तभी लोकल एरिया नेटवर्क होगा कि नहीं होगा? बहुत से बच्चे बोलते नहीं होगा, पर ये लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही आएगा दोस्तों। जैसा आपके स्कूल कॉलेज में होता है, कई बार दो अलग अलग बिल्डिंग या दो अलग अलग ब्लॉक्स को आपस में जोड़ के लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, है ना। तो
तो ध्यान रखिएगा, ऐसे नेटवर्क जो रूम, बिल्डिंग, घर, ऑफिस या दो या दो से अधिक आसपास में स्थित बिल्डिंग्स में भी हो सकते हैं, वो नेटवर्क कौन से होते हैं दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको कि वे नेटवर्क जो रूम, बिल्डिंग, घर, ऑफिस और आसपास में स्थित दो या दो से अधिक बिल्डिंग में भी हो सकते हैं, वो नेटवर्क कौन से होते हैं दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला नेटवर्क जो आपका होता है वो होता है मेन। क्या फुल फॉर्म होता होगा दोस्तों मेन का, बताइए? वेरी गुड, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होते हैं समझाइए जरा। वेरी गुड, वे नेटवर्क जो सिटी, टाउन या मेट्रोपॉलिटन सिटी में होते हैं, वो नेटवर्क कौन से होते हैं दोस्तों? मेन नेटवर्क। ऐसे नेटवर्क जो किसी पूरे के पूरे टाउन में हो, वे नेटवर्क जो पूरे के पूरे सिटी को कवर करते हैं या पूरे के पूरे महानगर को कवर कर सकते हैं दोस्तों, वो नेटवर्क कौन से होते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? इसका एग्जाम्पल होगा आपका केबल टीवी नेटवर्क। आप देखते हैं कि केबल टीवी नेटवर्क जो होते थे दोस्तों, तो पहले के जमाने में आपसे केबल ऑपरेटर पैसे लेने आता था, हर महीने के 300-400 रुपए कुछ चार्ज करते थे वो आपसे, मंथली चार्ज लेने आते थे आपसे। उनका जो केबल टीवी नेटवर्क होता था दोस्तों, आपकी पूरी सिटी को कवर करता था, लोकल न्यूज भी आती थी, अगर कहीं पे गरबे वगैरह हो रहे, प्रवचन हो रहे, तो उसका टेलीकास्ट भी होता था आपके लोकल चैनल में, आपके किसी एरिया में किसी ने किसी को चाकू मार दिया तो उसकी भी न्यूज आती थी ना, लोकल न्यूज भी आती थी ना दोस्तों आपके लोकल केबल ऑपरेटर द्वारा, को एक चैनल होता था उसमें। तो केबल टीवी नेटवर्क जो होते हैं ना दोस्तों, वो आपके किस नेटवर्क में आएंगे? मेन नेटवर्क के एग्जाम्पल में आएंगे। ऐसा नेटवर्क जो पूरी की पूरी सिटी, टाउन या मेट्रोपॉलिटन सिटी को कवर करता होगा, वो नेटवर्क कौन सा होता होगा दोस्तों? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला नेटवर्क जो आपको समझना है वो होता है वैन। क्या फुल फॉर्म होता होगा दोस्तों वैन का, आपके हिसाब से बताइए? वेरी गुड, वाइड एरिया नेटवर्क। ऐसे नेटवर्क जो हजारों किलोमीटर तक फैले होते हैं, वो कौन से होते हैं दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत सी जगह आपको मिलता है ऐसे नेटवर्क जो लाखों किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं, वो नेटवर्क कौन से होते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। आपसे आईबीपीएस के एग्जाम में एक बार पूछा गया है दोस्तों, वे नेटवर्क जो हजारों किलोमीटर तक फैले होते हैं, वो नेटवर्क कौन से होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। मान लीजिए आपकी कोई स्टेट है, जैसे मान लीजिए आप अभी यूपी से वीडियो देख रहे हैं, कोई बच्चे एमपी से वीडियो देख रहे होंगे, कुछ बच्चे गुजरात से देख रहे होंगे, तो आप जिस भी राज्य में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, अब वो राज्य क्या एक सिटी से मिलकर बना है क्या? नहीं ना, वहां पे अलग अलग सिटी होगी, अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी, अलग अलग टाउन होंगे। तो आपके जो वाइड एरिया नेटवर्क है दोस्तों, ये पूरी स्टेट में भी हो सकते कि नहीं? पूरे के पूरे राज्य को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नेटवर्क पूरे के पूरे भारत में है दोस्तों, जैसे जियो और एयरटेल का नेटवर्क, तब भी वाइड एरिया नेटवर्क होगा कि नहीं होगा? होगा। अब जरूरी है क्या दोस्तों कि वाइड एरिया नेटवर्क एक कंट्री में ही हो? दो या दो से अधिक कंट्रीज को भी आपस में कनेक्ट कर सकता है कि नहीं वाइड एरिया नेटवर्क? कर सकता है। मान लीजिए कोई एक ऐसा नेटवर्क है जो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, भूटान, इन सबको आपस में कनेक्ट कर रहा है, तब भी वो वाइड एरिया नेटवर्क होगा। अब जरूरी है क्या दोस्तों कि वो एशिया की कंट्री को ही कनेक्ट कर रहा होगा? हो सकता है एशिया की किसी कंट्री को कोई अफ्रीकन नेशन के साथ भी कनेक्ट कर रहा हो आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क जो होते हैं दोस्तों, ये देशों और प्रदेशों में तो फैले होते हैं, साथ ही साथ ये पूरे के पूरे पृथ्वी में भी फैले हुए हो सकते हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपका इंटरनेट किस तरह का नेटवर्क है? तो वाइड एरिया नेटवर्क है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है इंटरनेट निम्नलिखित में से किस तरह के नेटवर्क का एग्जाम्पल है, तो हमें आंसर क्या देना है? वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट एक तरह का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि ऐसे नेटवर्क जो हजारों किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं, वो कौन से नेटवर्क होते हैं, तब भी हमारा आंसर क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। वो कई जगह पे आपको इसकी डेफिनेशन मिलती है कि ऐसे नेटवर्क जो लाखों किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं, वो नेटवर्क कौन से होते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। तो हम सिंपली याद रखते हैं, ऐसे नेटवर्क जो हजारों या लाखों किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं दोस्तों, वो नेटवर्क कौन से होते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क जो है दोस्तों, उसकी डेफिनेशन आपको ऐसी भी मिलती है कि वे नेटवर्क जो लोकल एरिया नेटवर्क से बड़े और वाइड एरिया नेटवर्क से छोटे होते हैं, वो नेटवर्क कौन से होते हैं? मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, और वाइड एरिया नेटवर्क की डेफिनेशन भी आपको कई बार ऐसी मिलती है कि ये वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो बहुत सारे मेन नेटवर्क और लेन नेटवर्क का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये तीनों जो है ना दोस्तों, ये भौगोलिक दृष्टिकोण से हम पढ़ते हैं, जियोग्राफिकल वे में पढ़ते हैं,
इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा होगा? वाइड एरिया नेटवर्क, और सबसे छोटा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा यहां तक का वीडियो लेक्चर। ये तीन नेटवर्क तो इन जनरल आपको पता होते ही है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने आपको लोकल एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की कोई एक फिक्स लिमिट या रेंज नहीं बताया, कोई एक फिक्स नंबर नहीं बताया कि ये नेटवर्क इतने किलोमीटर तक ही सीमित होते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि अलग अलग जगह पे आपको लोकल एरिया नेटवर्क या मेन नेटवर्क की रेंज अलग अलग मिलती है। अगर आप फिर भी चाहते तो मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। लोकल एरिया नेटवर्क को जब भी आप सर्च करेंगे ना दोस्तों कि लोकल एरिया नेटवर्क कितने किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं, तो अधिकतर जगह पे आपको 1 किलोमीटर मिलता है। जैसे एनसीईआरटी बुक्स में आप देखेंगे तो आपको 1 किलोमीटर मिलती है लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज, कि ये नेटवर्क 1 किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं। पर कई बार आप सर्च करेंगे ना दोस्तों, आप लोगों को ऑनलाइन अलग अलग जगह पे कहीं कहीं पे मिलेगा 5 किलोमीटर, कहीं कहीं पे मिलेगा 10 किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं आपके लोकल एरिया नेटवर्क। अब ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि समय के साथ नेटवर्क बनाने की टेक्नोलॉजी चेंज हुई है दोस्तों। हम लोग एक ही टेक्नोलॉजी पे तो काम नहीं करते। आप लोग जानते हैं पहले हम नेटवर्क बनाने के लिए कॉपर वायर केबल्स का यूज करते थे, जैसे कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर के कॉपर वायर केबल। पर आप लोग जानते हैं आजकल हम लोग नेटवर्क बनाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करते हैं दोस्तों। तो समय के साथ नेटवर्क बनाने की टेक्नोलॉजी चेंज हुई है दोस्तों, जिसके कारण नेटवर्क की रेंज भी चेंज हुई है। इस कारण से आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग रेंज मिलती है लोकल एरिया नेटवर्क की। फिर भी आप ध्यान रखना चाहें तो मोटे मोटे तौर पे आप ध्यान रख सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं, और कुछ एक्सेप्शनल केस में तो ये 10 किलोमीटर से अधिक भी हो सकते हैं। जैसा आपके लोकल एरिया नेटवर्क के साथ है दोस्तों, वैसा ही कुछ आपके मेन नेटवर्क के साथ भी है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स में देखेंगे दोस्तों, तो वहां पे आपको मिलेगा कि ये नेटवर्क 30 या 40 किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं। अधिकतर जगह पे आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि 50 किलोमीटर तक होते हैं। पर कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि मेन नेटवर्क जो है दोस्तों 100 किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि कोई शहर छोटा हो सकता है, कोई टाउन छोटा हो सकता है, पर कोई शहर बड़े भी हो सकते हैं दोस्तों। मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो, वो बहुत बड़ी भी हो सकती है। जैसे आपका मुंबई है, अहमदाबाद हुआ, कोलकाता हुआ, ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है दोस्तों बहुत बड़ी होती है। और हमारी डेफिनेशन क्या थी कि वे नेटवर्क जो टाउन सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी में होते हैं वो नेटवर्क कौन से होते हैं? मेन नेटवर्क। तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं कि वे नेटवर्क जो 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं वो नेटवर्क कौन से होते हैं दोस्तों? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स में कोई एक फिक्स नंबर वाइज नहीं पूछते हमसे, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। फिर भी मैंने आपको नॉलेज पर्पज के लिए बता दिया। तो साइज के आधार पर ये तीनों नेटवर्क आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अधिकतर बच्चों को साइज के आधार पर तीन नेटवर्क तो पता होते ही हैं दोस्तों, या यूं कहें कि ये तीनों नेटवर्क इन जनरल सब बच्चों को पता होते। पर क्या यही तीन नेटवर्क होते हैं दोस्तों साइज के आधार पर? नहीं, साइज के आधार पर एक और नेटवर्क होता है, बहुत से लोग उसको एप्लीकेशन के हिसाब से भी मानते हैं, वो नेटवर्क होता है पेन। बहुत रेयरली बच्चों को पता होता है दोस्तों पेन नेटवर्क। पेन का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पे ये मत कर देना परमानेंट अकाउंट नंबर है ना। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर पेन का फुल फॉर्म तो परमानेंट अकाउंट नंबर, वो तो बैंकिंग अवेयरनेस में होगा दोस्तों। जब हम कॉमर्स की बात करेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस की बात करेंगे, तो वहां पे क्या होगा? परमानेंट अकाउंट नंबर। पर अभी हम बैंकिंग अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, कॉमर्स रिलेटेड टर्म पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पेन का फुल फॉर्म क्या होगा बताओ, सोचो जरा। वेरी गुड, पर्सनल एरिया नेटवर्क। कुछ बच्चों को पता था इसका फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है ना दोस्तों, ये साइज के आधार पर भी है, वो देखा जाए तो एप्लीकेशन के आधार पर भी है। पर्सनल एरिया नेटवर्क साइज के आधार पर एक और क्लासिफिकेशन है दोस्तों नेटवर्क का। पर्सनल एरिया नेटवर्क बहुत कम पढ़ाया जाता है क्लासेस में, बहुत कम बच्चों को पता होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में। पर्सनल एरिया नेटवर्क साइज के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, पर आप चाहें तो इसे एप्लीकेशन के हिसाब से भी ध्यान रख सकते हैं कि किस जगह पे यूज हो रहा है दोस्तों। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है ना दोस्तों, इसके नाम में ही क्या वर्ड आ रहा है? पर्सनल। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता होगा? ऐसा नेटवर्क जो किसी व्यक्ति का निजी नेटवर्क होता होगा, किसी व्यक्ति का पर्सनलाइज नेटवर्क होता होगा, उस व्यक्ति के इर्द गिर्द ये नेटवर्क काम करता होगा, उस व्यक्ति के चारों ओर ये नेटवर्क डिजाइन किया गया होगा। आप लोग अपनी डे टू डे लाइफ में पर्सनल एरिया नेटवर्क का बहुत ज्यादा यूज करते हैं दोस्तों। आप लोग स्मार्टफोन तो यूज करते हैं, आप लोग अपने स्मार्टफोन को अपने स्मार्ट वॉच, स्मार्ट बैंड जो आप पहनते हैं उसके साथ कनेक्ट करते हैं। आप लोग आजकल वायरलेस हैंड्स फ्री यूज करते हैं, नेक बैंड यूज करते हैं, DWS यूज करते हैं दोस्तों। आप लोग अपने घरों में ब्लूटूथ वाले स्पीकर यूज करते हैं, आप अपने स्मार्टफोन को अपने स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं,
आप अपने लैपटॉप को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं, अपने लैपटॉप को प्रिंटर के साथ कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो ये जो नेटवर्क है आपके इर्द गिर्द डिजाइन हुआ है ना दोस्तों, तो ये नेटवर्क कौन सा होगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क को हम साइज के आधार पर इसलिए क्लासिफाई करते थे दोस्तों क्योंकि इसकी रेंज 10 मीटर की होती है। पर्सनल एरिया नेटवर्क 10 मीटर तक की रेंज में काम करते हैं दोस्तों। अगर आप फीट में चाहें तो ध्यान रख सकते हैं कि 32.8084 फीट तक ये काम करते हैं, लगभग हम इसे 30 फीट मान लेते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, आपके जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होते हैं वो 10 मीटर या लगभग 30 फीट तक काम करते हैं, इसको कोई लेके कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, ये एकदम फिक्स है। तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा कि आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होते हैं ये 10 मीटर या 30 फीट तक काम करते हैं, और एक्यूरेसी से बोले तो 30.8084 फीट तक काम करते हैं, ठीक है। इसलिए आप इसको साइज के आधार पर भी मान सकते हैं और एप्लीकेशन के आधार पर भी मान सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क वायर्ड ही होते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। वायर्ड में क्या होगा कि आपने अपने स्मार्टफोन को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया माइक्रो यूएसबी केबल के द्वारा। वायरलेस में क्या होगा दोस्तों, आपने ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर दिया। आप कई बार वायर्ड हैंड्स फ्री यूज करते हैं अपने मोबाइल में तो वो वायर्ड कनेक्शन हो गया, पर आप कई बार वायरलेस हैंड्स फ्री का भी यूज करते हैं, ब्लूटूथ नेकबैंड का भी यूज करते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर्स का यूज करते हैं दोस्तों। तो आपके जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है ना दोस्तों, ये वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए हम लोग नॉर्मली ब्लूटूथ, इंफ्रारेड और एनएफसी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। एनएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, एनएफसी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम्स में। एनएफसी का फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन नई टेक्नोलॉजी दोस्तों आपके स्मार्टफोन में होगी। ये टेक्नोलॉजी अगर आपने अभी कोई नया लेटेस्ट स्मार्टफोन लिया होगा तो एनएफसी फीचर उसमें आता होगा, कुछ सेंटीमीटर तक ये काम करता है। आप लोग अपने घरों में जो टीवी यूज करते हैं दोस्तों, उसमें इंफ्रारेड वाले रिमोट तो आते ही हैं, एसी में भी आप इंफ्रारेड वाले रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं। नए स्मार्ट टीवी जो आते हैं दोस्तों आजकल, उनमें ब्लूटूथ वाले रिमोट कंट्रोल आते हैं। तो आप वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए भी नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ या इंफ्रारेड के जरिए भी पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे इसी चीज से आपसे एक और फुल फॉर्म पूछ लेते हैं दोस्तों। आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं डब्ल्यू पेन का फुल फॉर्म, तो क्या होगा डब्ल्यू पेन का फुल फॉर्म? वेरी गुड, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे वाईफाई मत कर देना, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब क्या है? वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब जैसे आपका डब्ल्यू पेन होता है ना दोस्तों, वैसे यहाँ पे आपका होता है डब्ल्यू लेन, ठीक है दोस्तों। डब्ल्यू लेन में डब्ल्यू का मतलब क्या होगा? वेरी गुड, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। भूलकर भी इसको वाईफाई या वाइट मत कर देना, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा डब्ल्यू लेन में डब्ल्यू का क्या मतलब है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वायरलेस। हम लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग हमारे घरों में इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हैं दोस्तों, तो हम वाईफाई राउटर और वाईफाई मोडेम का प्रयोग करते हैं, वायरलेसली नेटवर्क बनाना पसंद करते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए अगर हमने लोकल एरिया नेटवर्क बनाया है तो वहां पे हम क्या रिफर करने लग जाएंगे उस लोकल एरिया नेटवर्क को? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जहां पे वायर का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा डब्ल्यू पेन और डब्ल्यू लेन में डब्ल्यू का मतलब क्या है? वायरलेस। तो ये चारों जो नेटवर्क है दोस्तों, ये साइज के आधार पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इन चारों में सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा, तो ध्यान रखिएगा पेन नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क, उससे बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क, फिर उससे बड़ा मैन और उससे बड़ा वैन। देखा जाए ना दोस्तों तो पर्सनल एरिया नेटवर्क एक तरह का लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है, पर ये किसी व्यक्ति के लिए डिजाइन किया जाता है ना दोस्तों, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के इर्द गिर्द काम करता है, उसकी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने अपने स्मार्टफोन के साथ अपने भैया के स्मार्टफोन को कनेक्ट किया ब्लूटूथ के जरिए, तो आपका पर्सनल नेटवर्क है ना दोस्तों। आपने अपने स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट किया, आपने अपने ब्लूटूथ हैंड्स फ्री को या ब्लूटूथ स्पीकर को अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट किया, आप लोग ने अपने इस लैपटॉप को अपने मोबाइल के साथ या तो वायरलेसली कनेक्ट किया या माइक्रो यूएसबी केबल के द्वारा कनेक्ट किया, तो ये नेटवर्क किसी व्यक्ति का पर्सनलाइज नेटवर्क होता है ना दोस्तों, इसलिए हम इसको क्या रिफर करते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये और डिटेल में हमने उसको क्लासिफाई कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक के नेटवर्क आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला नेटवर्क जो हमको डिस्कस करना है दोस्तों, वो होता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क कैन। क्या फुल फॉर्म होता होगा दोस्तों कैन का? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स के लिए। कैन कैन का फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, और इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क। जनरली हमारे पेपर में जब भी आता है ना दोस्तों, तो कैन के लिए मेनली हमको मिलता है कैंपस एरिया नेटवर्क।
पर ध्यान रखिएगा कभी कैंपस एरिया नेटवर्क आपको ऑप्शंस में ना मिले तो फिर क्या हो सकता है ऑप्शंस में, कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क। इसका एक और फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, पर वो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स में आईबीपीएस पीओ क्लर्क में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको अभी लेक्चर में आगे डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। पर आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एमपीपीएससी और जिन भी एग्जाम्स में कंप्यूटर अवेयरनेस आता है दोस्तों, वहां पे कैन का फुल फॉर्म हमको क्या ध्यान रखना है, कैंपस एरिया नेटवर्क या कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क। सबसे पहले हम समझते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क को, क्या होता होगा आपके हिसाब से कैंपस एरिया नेटवर्क? वेरी गुड, बहुत से बच्चे बोल रहे सर ये नेटवर्क हमारे स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपस में होते हैं, तो सही है कि गलत है? सही बताया आपने। मान लीजिए आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करी होगी तो वहां पे क्या एक ही बिल्डिंग थी क्या, एक ही डिपार्टमेंट था दोस्तों, एक ही बिल्डिंग ब्लॉक था क्या? नहीं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। आपका यूनिवर्सिटी क्या चाहता है दोस्तों कि हमारे कैंपस में जितने भी अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको हम आपस में कनेक्ट कर सकें और इन अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, उन सबको हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी दे सकें ताकि वो अपनी पढ़ाई में कुछ चीज सर्च करना चाहते हैं या अपने किसी टॉपिक को सर्च करना चाहते हैं तो उन्हें परेशान ना होना पड़े नेटवर्क के लिए। तो आप लोग देखते हैं कि आपके स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो नेटवर्क होता है दोस्तों, वो नेटवर्क कौन सा होता है? कैंपस एरिया नेटवर्क। अब जैसे आपके स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कैंपस एरिया नेटवर्क होता है ना दोस्तों, कुछ वैसा ही होता है आपका कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क। कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क में क्या होगा दोस्तों, कोई एक मान लीजिए कंपनी है, उसका कॉर्पोरेट ऑफिस है। अब वो कंपनी चाहती है कि हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस का जहां तक कैंपस है, उस कैंपस के अंदर जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं, जितने भी लोग हमारे कैंपस के अंदर हैं, उन सबको हम इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सके। तो ऐसा नेटवर्क जो किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा दोस्तों, किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में होता होगा दोस्तों, वो नेटवर्क कौन सा होगा? कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क। अब यहां पे ध्यान रखिएगा केन का एक और फुल फॉर्म होता है जो मैंने आपको अभी बताया था, वो होता है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। कंट्रोलर एरिया नेटवर्क हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जामिनेशंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अब तक आपने जितना भी पढ़ा है लेन से लेके केन तक, वही हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे जितने भी नेटवर्क्स हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो टेक्निकल बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा आईबीपीएस एसओ की तैयारी कर रहा है या कोई बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग के हैं, सीएसआईटी के हैं, और वो कोई ऐसे एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें कंप्यूटर डिटेल में पूछा जाता है, तो उन लोगों के लिए आगे लेक्चर और भी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। आप लोग भी इसको देखिएगा, भले ही आप आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एमपीपीएससी या एसबीआई पीओ या क्लर्क दे रहे हैं, आपके लिए भले यहां तक के ही नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप लेक्चर को आगे देखिएगा, आपके नॉलेज के लिए और अच्छा होगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि इनका एक और फुल फॉर्म होता है जो टेक्निकली होता है दोस्तों, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। कंट्रोलर एरिया नेटवर्क क्या होता है? एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन बस स्टैंडर्ड है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। आप लोग देखते हैं कि आपकी जो गाड़ियां होती है ना दोस्तों, उसमें ये बहुत यूज होता है। कंट्रोलर एरिया नेटवर्क सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज हुआ था दोस्तों। कंट्रोलर एरिया नेटवर्क एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन बस स्टैंडर्ड है दोस्तों। इसके द्वारा अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर्स आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कंट्रोलर एरिया नेटवर्क एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन बस स्टैंडर्ड है जिसके द्वारा अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर्स आपस में डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं हाई स्पीड में। और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो होती है दोस्तों गाड़ियों में, ईसीयू, उसके थ्रू कंट्रोल सिग्नल प्राप्त भी कर सकते हैं और उन्हें अपने सिग्नल भेज भी सकते हैं अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि कंट्रोलर एरिया नेटवर्क आजकल सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होते हैं, ये अलग अलग जगह पे ऑटोमेशन पर्पज के लिए यूज होते हैं दोस्तों। जैसे कोई मेडिकल रोबोट है दोस्तों जो मेडिकल सर्जरी में यूज हो रहा है, तो मेडिकल पर्पज में जो रोबोट यूज होते हैं वहां पर कंट्रोलर एरिया नेटवर्क का वाइडली यूज होता है आजकल। साथ ही साथ कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है, वहां पे कोई एक रोबोटिक हैंड है या रोबोट है जो मोबाइल को असेंबल करता है दोस्तों, तो वहां पर भी कंट्रोलर एरिया नेटवर्क का यूज होता है। अलग अलग जगहों पे कंट्रोलर एरिया नेटवर्क का यूज होता है। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कंट्रोलर एरिया नेटवर्क क्या है। ये एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन बस स्टैंडर्ड है दोस्तों, जिसके द्वारा अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर्स आपस में डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो अगला नेटवर्क हमको पढ़ना है वो होता है आपका हैन नेटवर्क। ध्यान रखिएगा दोस्तों हैन का क्या फुल फॉर्म है। हैन का फुल फॉर्म बहुत कम बच्चों को पता होगा, हैन का फुल फॉर्म होता है होम एरिया नेटवर्क। क्या फुल फॉर्म है इसका? होम एरिया नेटवर्क। होम एरिया नेटवर्क देखा जाए ना दोस्तों, तो ये एक तरह का लोकल एरिया नेटवर्क ही है।
और ये पर्सनल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, होम एरिया नेटवर्क जनरली पर्सनल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है और ये एक तरह का लोकल एरिया नेटवर्क ही है। होम एरिया नेटवर्क आपको नाम से क्लियर हो गया होगा दोस्तों, थोड़ा जजमेंट तो बैठ ही गया होगा आपको इसके नाम से। वेरी गुड। वे नेटवर्क जो घरों में होते हैं दोस्तों, वो नेटवर्क कौन से होते हैं? होम एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क किसी एक पर्टिकुलर घर के लिए डिजाइन किए जाते होंगे, किसी एक घर में काम करते होंगे दोस्तों, वो नेटवर्क कौन से होते हैं? होम एरिया नेटवर्क। वो ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क से बड़े होते हैं होम एरिया नेटवर्क, और एक तरह के लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जनरली देखा जाए ना तो आपके होम एरिया नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क से बड़े होते हैं और एक तरह के लोकल एरिया नेटवर्क ही होते हैं, क्योंकि ये घर के अंदर होते हैं। अब आपका घर 100-150 किलोमीटर इतना लंबा तो नहीं ना दोस्तों। तो यहां पे हम इसको समझते हैं दोस्तों और थोड़ा। मान लीजिए आप लोग अपने घरों में वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं। अब आप 5 अलग अलग फैमिली मेंबर्स हैं, आप लोगों ने अपने स्मार्टफोन को उस वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्ट कर लिया, वो इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, तो ये होम एरिया नेटवर्क का ही उदाहरण है दोस्तों। आप लोग अपने स्मार्ट टीवी को उस इंटरनेट के साथ जोड़ रहे हैं, आप अपने स्मार्टफोन को उस टीवी के साथ जोड़ सकते हैं। आपने अपने घर के चारों ओर अलग अलग सीसीटीवी कैमरे लगा दिया, उन सीसीटीवी कैमरे का आउटपुट आप अपने स्मार्ट टीवी में देख रहे हैं दोस्तों। आजकल आपकी जो होम अप्लायंसेस आती हैं, अलग अलग डिवाइसेस आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनमें कनेक्टिविटी के ऑप्शन आने लग गए हैं दोस्तों। यहाँ तक कि आपके जो बल्ब होते हैं एलईडी बल्ब, वो भी स्मार्ट एलईडी बल्ब आने लग गए हैं। आप अपने मोबाइल फोन से भी उनके शेडो कलर चेंज कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपके पंखे जो होते हैं दोस्तों, आजकल वो स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एसी जो होते हैं, वो भी आजकल इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ आते हैं दोस्तों। वाईफाई के साथ भी आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं, उनको भी आप अपने मोबाइल इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप कहीं पे भी बैठे बैठे इन सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। आपके स्मार्ट स्पीकर आते हैं, जैसे अमेज़न एलेक्सा, गूगल मिनी डॉट्स, तो अलग अलग स्मार्ट अप्लायंसेस आप लोग जो अपने घरों में यूज करते हैं दोस्तों। आप स्मार्ट होम भी सुनते हैं आजकल, जियो स्मार्ट होम है ना, तो ये किसके उदाहरण है दोस्तों? होम एरिया नेटवर्क के। होम एरिया नेटवर्क में क्या होता होगा दोस्तों? ऐसा कोई नेटवर्क जो घर के अंदर यूज होता होगा, और अलग अलग होम अप्लायंसेस या डिवाइसेस को हम किसी एक घर के अंदर कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है? आपका होम एरिया नेटवर्क। तो यहां तक के नेटवर्क्स आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब हमें जो आगे नेटवर्क पढ़ना है वो और भी टेक्निकल है, और टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नेटवर्क जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो नेटवर्क है आपका पीओलैन नेटवर्क। ध्यान रखिएगा, पीओलैन को कई बार पीओएन के नाम से भी रिफर किया जाता है। पीओलैन नेटवर्क का फुल फॉर्म क्या है? पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। और पीओएन का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क या पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क को मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा दोस्तों। तो हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं पीओलैन नेटवर्क या पीओएन नेटवर्क को, ठीक है दोस्तों? अब हमारे पास एक डायग्राम है दोस्तों, जो हमारी मदद करेगा पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क या पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क को अच्छे से समझने में। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप इस डायग्राम को ध्यान से देख लें, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए दोस्तों। ले लिया होगा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट। हम लोग यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो, कि यहाँ पे पैसिव और ऑप्टिकल शब्दों का प्रयोग क्यों हो रहा है। यदि हमको ये समझ में आ गया ना दोस्तों कि यहाँ पे पैसिव और ऑप्टिकल वर्ड्स क्यों आ रहे हैं, तो हमें अपने आप ही पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क या पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क भी क्लियर हो जाएगा। तो अब हम ये समझते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये पैसिव वर्ड क्यों आ रहा है। मान लीजिए आपने किसी ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का यूज करके इंटरनेट कनेक्शन लिया है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराता हो। जैसे हमारे केस में हमने मान लिया है जियो फाइबर। तो आपका जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा ना दोस्तों, उसका एक एंड ऑफिस होगा, जिसे हम सेंट्रल ऑफिस के नाम से भी रिफर कर सकते हैं। आपकी सिटी में एक एंड ऑफिस होगा उनका, वो एंड ऑफिस रेस्ट ऑफ नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होगा दोस्तों। अब ये क्या करते हैं, जो आपके अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन देते हैं, या आपकी सिटी के अलग अलग एरिया अलग अलग सोसाइटीज तक अपने एंड ऑफिस से ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा देते हैं, ठीक है दोस्तों? मान लेते हैं कि उनके एंड ऑफिस से आपकी सोसाइटी तक एक ऑप्टिकल फाइबर केबल आ रही है दोस्तों, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब ये एक सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल में अलग अलग यूजर्स का डेटा आ भी रहा होगा और जा भी रहा होगा। मान लीजिए आपने अपने घर में इंटरनेट कनेक्शन लिया, आपके पड़ोसी ने भी उसी आईएसपी के थ्रू अपने घर में इंटरनेट कनेक्शन लिया है, और आपकी सोसाइटी में और कोई व्यक्ति भी है दोस्तों जिसने उसी आईएसपी के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन लिया है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अलग अलग यूजर्स के लिए, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी गई हो आईएसपी के द्वारा। वो तो एक ही ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग करते हैं किसी एक सोसाइटी तक सिग्नल लाने के लिए।
यहां पे वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल स्प्लिटर या कंबाइनर का यूज करते हैं दोस्तों। जब सिग्नल रिसीव होगा ना दोस्तों, तब हमें क्या करना पड़ेगा कि सिंगल मोड केबल या सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू जो भी डेटा आ रहा है उसे अलग अलग यूजर्स के बीच में विभक्त करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्प्लिटर। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि जब सिग्नल रिसीव होगा तो हमें सिग्नल को स्प्लिट करना पड़ेगा, सिंगल पॉइंट कनेक्शन को मल्टीपल पॉइंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, अलग अलग यूजर के डेटा को स्प्लिट करना पड़ेगा। और जब ये यूजर डेटा भेजेंगे दोस्तों तो हमें उल्टा करना पड़ेगा, तब हमें अलग अलग यूजर के डेटा को क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल पॉइंट कनेक्शन को सिंगल पॉइंट कनेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिग्नल्स को कंबाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ऑप्टिकल कंबाइनर का। तो यहां पे हम सिग्नल को स्प्लिट करने के लिए और कंबाइन करने के लिए ऑप्टिकल स्प्लिटर और कंबाइनर का यूज करते ना दोस्तों। यहां पर इन ऑप्टिकल कंबाइनर और स्प्लिटर्स को सिग्नल को कंबाइन या स्प्लिट करने के लिए किसी भी तरह के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती ना दोस्तों, इसलिए यहां पे हम पैसिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, जहां पे भी हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट होगी ना सिग्नल को कंबाइन करने के लिए या स्प्लिट करने के लिए, वहां पे हम क्या वर्ड रिफर करते हैं, एक्टिव। पर जहां पे हमें सिग्नल को कंबाइन या स्प्लिट करने के लिए किसी भी तरह के एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी दोस्तों, वहां पे हम क्या वर्ड रिफर करते हैं, पैसिव। यहां पे जो भी पावर की रिक्वायरमेंट होगी ना दोस्तों, वो सेंडर एंड और रिसीवर एंड पे होगी। बीच में सिग्नल को स्प्लिट या कंबाइन करने के लिए किसी भी तरह के एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती ना दोस्तों, किसी भी तरह के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या वर्ड रिफर करते हैं, पैसिव। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि यहाँ पे पैसिव और ऑप्टिकल वर्ड क्यों यूज हो रहे हैं। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, यहां पर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज कर रहे हैं ना दोस्तों, इसलिए ऑप्टिकल वर्ड आ रहा है, और सिग्नल को स्प्लिट और कंबाइन करने के लिए किसी भी तरह के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सिग्नल की स्विचिंग करने के लिए किसी भी तरह के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती ना दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पे क्या वर्ड रिफर करते हैं, पैसिव। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो सेंडर एंड और रिसीवर एंड पे होगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपका पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क या पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क एक नई टेक्नोलॉजी है। पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क का प्रयोग बड़े बड़े कैंपस नेटवर्क बनाने के लिए भी यूज होता है दोस्तों। कई बार 20-20 किलोमीटर तक के नेटवर्क बनाने के लिए भी पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क का प्रयोग होता है, और उससे बड़े नेटवर्क बनाने के लिए भी पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। अब हम हमारे अगले नेटवर्क समझते हैं। अब अगला नेटवर्क जो आपको समझना है दोस्तों वो होता है SAN, SAN। क्या फुल फॉर्म होता होगा दोस्तों SAN का? देखा जाए ना तो दो तीन मतलब होते हैं दोस्तों SAN के। हम लोग सबसे पहले उस फुल फॉर्म को डिस्कस करेंगे जो हमारे टेक्निकल एग्जामिनेशन जैसे IBPS ASO के लिए इंपॉर्टेंट है और मोस्ट जनरल है। SAN का सबसे पहला फुल फॉर्म आपको जो ध्यान रखना है दोस्तों वो होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्या कहा मैंने? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा दोस्तों। आप लोगों के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप तो जरूर होगा दोस्तों, कंप्यूटर तो होगा ही। मान लीजिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की हार्ड डिस्क पूरी तरह से भर चुकी है, तब आप क्या करेंगे, नया लैपटॉप या नया कंप्यूटर ले लेंगे क्या? नहीं ना, इतने अमीर कहां हैं आप। आप लोग ऐसा करेंगे क्या दोस्तों कि अपने लैपटॉप में अगर 500 GB की हार्ड डिस्क है तो आप उसको हटवा के 1 TB की हार्ड डिस्क लगवा लेंगे? देखा जाए तो वो भी आपको कॉस्टली पड़ेगा दोस्तों। हालांकि आपकी स्टोरेज क्षमता की जो प्रॉब्लम है वो तो हल हो जाएगी, पर देखा जाए तो कॉस्टली पड़ेगा आपको। आप क्या करेंगे दोस्तों, आप किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पोर्टेबल हार्ड डिस्क में अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का जो डेटा है उसको खाली कर देंगे, बैकअप के तौर पर ले लेंगे, और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है उसे फॉर्मेट कर लेंगे। अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी नहीं है आपके पास, कोई पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी नहीं है, तब आप क्या करेंगे, CD या DVD में आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है उसके डेटा का बैकअप ले लेंगे दोस्तों, और लैपटॉप या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर लेंगे। तो इस तरह से आपने अपनी लो स्टोरेज क्षमता की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है ना दोस्तों। आपकी स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो गई थी तो आपने अपने हार्ड डिस्क को पुनः खाली कर लिया बैकअप लेके। पर क्या सर्वर के केस में संभव है क्या दोस्तों? आप लोग देखते हैं कि हम लोग आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, फ्लिपकार्ट, Amazon, इन सब का बहुत यूज करते हैं। अब जो इनके सर्वर होते होंगे दोस्तों, उनमें ऐसा संभव है क्या कि उनकी स्टोरेज क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी पूरी तरह से फुल हो गई तो हम उसके हार्ड डिस्क को किसी अन्य हार्ड डिस्क में खाली करें और बैकअप के तौर में डेटा ले लें और वहां पर एक नई हार्ड डिस्क लगा दें? नहीं ना दोस्तों, या उसको फॉर्मेट कर लें? ऐसा वहां पर संभव नहीं है सर्वर के केस में दोस्तों।
यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, स्टोरेज एरिया नेटवर्क में अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर हम स्टोरेज अरे क्रिएट करते हैं दोस्तों। इस स्टोरेज अरे को हम स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं और इन स्विच को हम अलग अलग सर्वर्स के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि अलग अलग सर्वर इस सेड स्टोरेज पूल या स्टोरेज अरे को एक्सेस कर सके और हर सर्वर को ये प्रतीत होता है कि सारी की सारी स्टोरेज क्षमता उसी के अंदर है, सारी की सारी स्टोरेज डिवाइसेस उसी के अंदर है। पर असलियत में ऐसा नहीं होता दोस्तों, अलग अलग सर्वर मिल बांट कर इन अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस को यूज करते हैं स्विच के द्वारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क में। आप जब भी स्टोरेज एरिया नेटवर्क को ऑनलाइन सर्च करके पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो आपको ऐसा मिलता है कि स्टोरेज अरे में क्या होता है दोस्तों, अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर लिया जाता है, अलग अलग हार्ड डिस्क को आपस में कनेक्ट कर लिया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्टोरेज अरे। आपको कई बार स्टोरेज एरिया नेटवर्क में टेप लाइब्रेरी पढ़ने को मिलता है दोस्तों। टेप लाइब्रेरी में क्या होता है कि अलग अलग मैग्नेटिक टेप्स डिवाइसेस जो होती है दोस्तों उनको आपस में कनेक्ट कर सेड स्टोरेज पूल क्रिएट किया जाता है और अलग अलग सर्वर इन मैग्नेटिक टेप को यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम उन्हें टेप लाइब्रेरी के नाम से रिफर करते हैं। साथ ही साथ यदि आप कभी ऑनलाइन सर्च करेंगे ना दोस्तों, तो आपको ऑप्टिकल जंक बॉक्स वर्ड भी पढ़ने को मिलता है। ऑप्टिकल जंक बॉक्स में क्या होता है दोस्तों कि ये एक रोबोटिक डिवाइस होती है जिसमें अपने आप अलग अलग सीडी डीवीडी ब्लूरे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क लोड और अनलोड हो सकती है, ठीक है दोस्तों। ऑप्टिकल जंक बॉक्स में क्या होगा, ये एक रोबोटिक डिवाइस होती है दोस्तों जिसके अंदर ऐसे फीचर्स होते कि वो अपने आप ऑप्टिकल डिस्क को लोड और अनलोड कर सकते हैं रीड और राइट पर्पस के लिए। तो अलग अलग सर्वर ऑप्टिकल जंक बॉक्स को भी यूज कर सकते हैं। आप बस मोटे मोटे तौर पे इतना ध्यान रखिएगा कि अलग अलग सर्वर्स को हम स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इन स्विच को हम अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं और एक शेयर्ड स्टोरेज पूल क्रिएट करते हैं। सारे सर्वर मिल बांट के इस शेयर्ड स्टोरेज पूल को एक्सेस करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सेम का एक और फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिस्टम एरिया नेटवर्क। सिस्टम एरिया नेटवर्क में क्या होता है दोस्तों, अलग अलग कंप्यूटर समूहों को अलग अलग कंप्यूटर क्लस्टर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक के द्वारा और ये सारे कंप्यूटर क्लस्टर्स ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो एक सिंगल सिस्टम ही हो और हाई स्पीड कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करने के लिए भी सेम नेटवर्क का यूज होता है दोस्तों सिस्टम एरिया नेटवर्क का। ध्यान रखिएगा कंप्यूटर समूह को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, कंप्यूटर क्लस्टर्स। समूह का इंग्लिश वर्ड क्या होगा दोस्तों, क्लस्टर। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अलग अलग कंप्यूटर क्लस्टर्स अलग अलग कंप्यूटर समूह को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक के द्वारा और ये अलग अलग कंप्यूटर क्लस्टर्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे एक सिंगल सिस्टम ही हो और ये किसी बड़ी कंप्यूटेशनल टास्क को भी हाई स्पीड में परफॉर्म कर सकते हैं। हाई स्पीड कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करने के लिए भी इन कंप्यूटर क्लस्टर्स का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों सिस्टम एरिया नेटवर्क। सिस्टम एरिया नेटवर्क में क्या करते हैं, अलग अलग कंप्यूटर क्लस्टर्स या अलग अलग कंप्यूटर समूह को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक के द्वारा और ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि एक सिंगल सिस्टम ही हो और हाई स्पीड कंप्यूटेशनल टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर क्लस्टर्स, ठीक है दोस्तों। ऐसे इनका देखा जाए ना दोस्तों, तो एक और फुल फॉर्म होता है जो बहुत रेयर है, हमारे टेक्निकल एग्जामिनेशंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते तो नॉलेज पर्पस के लिए मैं आपको बता देता हूं। ऐसे इनका एक और फुल फॉर्म होता है जो बहुत रेयर है, शायद ही आपको मिले, ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो बहुत ढूंढने पर आपको मिलेगा। ऐसे इनका एक और फुल फॉर्म होता है स्मॉल एरिया नेटवर्क। स्मॉल एरिया नेटवर्क कहाँ यूज होता होगा दोस्तों, आपकी पीसीबी होती है ना, पीसीबी मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, पीसीबी मतलब क्या, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो गया दोस्तों। उसमें आईसी कंपोनेंट्स जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, स्मॉल एरिया नेटवर्क का। ये कोई कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है दोस्तों, पर किसी विद इन अ बॉक्स किसी छोटे सिस्टम में किसी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में आईसी कंपोनेंट्स जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, स्मॉल एरिया नेटवर्क का। तो ऐसे इनके तीनों मतलब आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों, क्या क्या फुल फॉर्म थे ऐसे इनके बताइए। वेरी गुड, स्टोरेज एरिया नेटवर्क और सिस्टम एरिया नेटवर्क और जो बहुत रेयर है वो कौन सा है, स्मॉल एरिया नेटवर्क। आप लोग स्टोरेज एरिया नेटवर्क और सिस्टम एरिया नेटवर्क को ध्यान रखिएगा दोस्तों, फुल फॉर्म के तौर पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इनके एब्रिविएशन पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। अगला नेटवर्क जो आपको पढ़ना है दोस्तों वो है ई पी एन। ई पी एन टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट यही है, पर यदि आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों या एमपीपीएससी दे रहे हैं तब भी मैं चाहूंगा कि आप ई पी एन को ध्यान से समझे। ये पूछा नहीं जाता जनरली बैंकिंग के एग्जाम्स में, इंश्योरेंस सेक्टर या पीएससी में, फिर भी मुझको लगता है कि आपको ये समझ में होना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट जनरल है
और आपको नॉलेज पर्पस के लिए पता होना चाहिए। एपीएन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क नाम से समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ा थोड़ा सोचो, इसके नाम में क्या रहा है दोस्तों, एंटरप्राइज और साथ ही साथ प्राइवेट। आप लोग देखते हैं कि अलग अलग एंटरप्राइजेस होती है, अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनियां होती है दोस्तों। मान लीजिए एप्पल है, सैमसंग है, डेल हो गया, एचपी हो गया, तो ये अलग अलग कंपनी जो है दोस्तों, ये मल्टीनेशनल कंपनीज है, इनकी अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अलग अलग जगह पे इनके सर्विस सेंटर है, कहीं पे इनके गोडाउन होंगे, कहीं पे वेयर हाउस होंगे, कहीं पे इनके सिटी ऑफिस होंगे, अलग अलग जगहों पे इनके कस्टमर केयर ऑफिस होंगे, अलग अलग जगह पे इनके सर्विस सेंटर होंगे दोस्तों। तो ये कंपनी क्या चाहती है कि हमारा खुद का एक नेटवर्क हो जिसमें हम अलग अलग हमारे ऑफिसेस को आपस में कनेक्ट कर सके। तो किसी भी एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा नेटवर्क जिसमें वो अपने अलग अलग ऑफिसेस को कनेक्ट करना चाहती है, वो नेटवर्क कौन सा होगा दोस्तों, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। आप देखते हैं कि अलग अलग कंपनियां होती है, उनके अलग अलग सर्विस सेंटर होते हैं। मान लीजिए आपने सैमसंग का मोबाइल लिया दोस्तों, अब आप उसको रियलमी के सर्विस सेंटर में जाकर तो नहीं सुधरवाएंगे। मान लीजिए आपने एमआई का मोबाइल लिया तो आप उसको ओप्पो के सर्विस सेंटर में तो नहीं सुधरवाएंगे दोस्तों। अगर कोई मोबाइल किसी दूसरी कंपनी के सर्विस सेंटर में आप सुधरवा रहे हैं तो फिर उस सर्विस सेंटर के साथ या उस कंपनी के साथ दूसरी कंपनी का कोलैबोरेशन होगा, टाइप होगा, तभी आप सुधरवाएंगे। मान लीजिए आपने डेल का लैपटॉप लिया, अब आप उसको एचपी के सर्विस सेंटर में जाकर तो नहीं सुधरवाएंगे। तो एचपी, डेल या सैमसंग या सोनी क्या चाहेगा कि हमारे जितने भी अलग अलग कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, अलग अलग वेयर हाउस है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अलग अलग सर्विस सेंटर है, अलग अलग सिटी ऑफिस है, इन सबको हम आपस में कनेक्ट कर लें और हमारे एम्प्लॉइज हमारे लिए ही काम करें और हमारे कस्टमर्स के लिए काम करें। तो किसी एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा नेटवर्क दोस्तों जिसमें वो अपने अलग अलग ऑफिसेस को, वेयर हाउस को, मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, वो नेटवर्क कौन सा होता होगा दोस्तों, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। जनरली देखा जाए ना दोस्तों तो वीपीएन के थ्रू किया जाता है। अब अगला नेटवर्क जो हमको पढ़ना है वो यही पढ़ना है, वीपीएन। देखा जाए ना दोस्तों तो वीपीएन बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए। आईबीपीएस पीओ क्लर्क में वीपीएन पूछा नहीं जाता, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप इसका फुल फॉर्म ध्यान रखें दोस्तों। वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या फुल फॉर्म है ध्यान रखिएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है ना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिहाज से। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइडली यूज होता है दोस्तों, आपकी डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होती हैं, ये सब अपना नेटवर्क बनाने के लिए वीपीएन का बहुत यूज करते हैं दोस्तों। अपने डेटा को हाइड करने के लिए, अपनी लोकेशन छुपाने के लिए, अपने डेटा को हैक होने से बचाने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग कंपनी, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज वीपीएन नेटवर्क का यूज करती हैं। वीपीएन नेटवर्क के द्वारा क्या होता है दोस्तों, आप जो भी इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव करते हैं, जो भी आप डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में कम्युनिकेट होता है। आप अपनी कंट्री लोकेशन बदल सकते हैं, आप किसी ब्लॉक वेबसाइट का भी एक्सेस कर सकते हैं वीपीएन की सहायता से। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं दोस्तों जहां पे कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट बैन है सरकार के द्वारा, या कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट्स को बैन करके रखा आपके देश की सरकार ने, और आप उन वेबसाइट्स को एक्सेस करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की सहायता से आप बड़ी आसानी से उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाइना में हैं दोस्तों, आप चाइना में रहते होते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि चाइना में फेसबुक बैन है दोस्तों, फेसबुक चलाना मना कर रखा है वहां की सरकार ने लोगों को, फिर भी आप फेसबुक चलाना चाहते हैं तो आप कैसे चलाएंगे दोस्तों, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग करके आप आसानी से फेसबुक एक्सेस कर सकते हैं चाइना में बैठे बैठे भी। आप लोग देखते हैं बहुत से देश की सरकार अपने लोगों की भलाई के लिए, कई बार उनके हित के लिए बहुत सी वेबसाइट्स को ब्लॉक करके रखती है दोस्तों। भारत में भी देखें तो बहुत सी वेबसाइट्स ब्लॉक हैं, फिर भी आप उन वेबसाइट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग करके आप आसानी से उन ब्लॉक वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जनरली ये वेबसाइट ब्लॉक क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि आप जब भी अपने मोबाइल से कोई भी चीज सर्च करते हैं दोस्तों तो आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास जाती है, आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है दोस्तों। जिन भी कंपनी का आप इंटरनेट यूज करते हैं ना, जैसे वोडाफोन और आइडिया, तो अब मिक्स होकर वीआई हो गया दोस्तों, वी कंपनी हो गई आपकी, एयरटेल हो गई, जियो हो गई, आपका टिकोना हो गया, हेथवे हो गया, तो जिन भी
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एक्सेस कर आप इंटरनेट यूज कर रहे ना दोस्तों, उन अलग अलग आईएसपी को आपकी सरकार निर्देश देती है कि हमारी कंट्री में हमारे लोगों को इन पर्टिकुलर वेबसाइट्स को देखना वर्जित है, मना है, तो वो आपकी रिक्वेस्ट को ब्लॉक करके रखते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपने गूगल में किसी ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहा जो ब्लॉक है आपकी कंट्री में, अब आपकी रिक्वेस्ट गूगल सर्वर के पास जाने के पहले किसके पास जाएगी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगी, आईएसपी के पास। अब आपका आईएसपी जो है ना दोस्तों, वो चेक करेगा कि ये वेबसाइट सरकार द्वारा बैन है या नहीं है। अगर बैन है तो वो आपकी रिक्वेस्ट को वहीं पर रोक लेगा और आपकी रिक्वेस्ट को गूगल सर्वर के पास जाने ही नहीं देगा। पर यदि वो एक बैन वेबसाइट नहीं है दोस्तों, तो आपके मोबाइल को वो गूगल सर्वर के साथ कनेक्ट कर देते हैं आईएसपी, और आप किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं। अब मान लीजिए आप किसी ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं जो आपकी कंट्री में ब्लॉक है या बैन है, तब आपकी रिक्वेस्ट किसके पास जाती है दोस्तों? सबसे पहले आईएसपी के पास जाती है। आईएसपी आपका डेटा देख लेता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फिर भी आप उस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप क्या करेंगे? वीपीएन सर्वर के साथ अपने मोबाइल को या कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे। वीपीएन सर्वर देखा जाए ना दोस्तों, तो इन जनरल आपकी कंट्री में नहीं होता, ये देखा जाए तो आपकी कंट्री के बाहर होता है। जनरली देखा जाए तो यूएसए यूके में होगा दोस्तों, ऐसा हम मान लेते हैं। तो वीपीएन सर्वर के साथ आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे एक टनल बन जाती है। असलियत में एक टनल नहीं होती दोस्तों, टनल इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी डेटा आप सेंड और रिसीव करते हैं वीपीएन सर्वर के साथ, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है दोस्तों। कोई और दूसरा व्यक्ति उस डेटा को देख नहीं सकता, क्योंकि उस डेटा को डिकोड करना पड़ेगा। जो भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा है ना दोस्तों, उसकी कोडिंग और डिकोडिंग आपके कंप्यूटर के और वीपीएन सर्वर के बीच में होती है दोस्तों। तो जो भी डेटा ट्रेवल हो रहा है ना इस टनल से, उसको आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देख नहीं पाते, रीड नहीं कर पाते, इसलिए वो आपको ब्लॉक भी नहीं कर पाते। मान लीजिए आपने किसी ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहा जो आपकी कंट्री में बैन है दोस्तों, उसकी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? अब वीपीएन सर्वर के पास। अब वीपीएन सर्वर दूसरी कंट्री में है दोस्तों, तो वहां पर तो वो वेबसाइट को एक्सेस करना अलाउ होगा, तो वहां पे वो सर्वर उस वेबसाइट के सर्वर के साथ कनेक्ट होगा जिसकी रिक्वेस्ट आपने डाली है। अब जो भी डेटा आप उस वेबसाइट से एक्सेस करना चाहते थे ना दोस्तों, वो डेटा कैसे आएगा? वीपीएन सर्वर के द्वारा आएगा आपके पास। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में क्या होता है दोस्तों, एक वीपीएन सर्वर होता है जिसे हम जनरली कई बार वीपीएन के नाम से रिफर कर देते हैं। तो वीपीएन सर्वर जो है ना दोस्तों, वो इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। ये जो भी डेटा आप एक्सेस करना चाहते हैं उसे एनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजता है आप तक, तो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो आपके डेटा को रीड नहीं कर पाते, वो किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक भी नहीं कर पाते, और आप उन सर्विसेज या उन वेबसाइट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं अपने देश में जो आपकी कंट्री में बैन है। कुछ ऐसे काम करता है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका प्रयोग कई बार गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी एजेंसीज, अलग अलग कंपनी अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए, सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए, अपने डेटा को हैक होने से बचाने के लिए, और कई बार अपनी कंट्री लोकेशन को चेंज करने के लिए भी करते हैं। कई बार हैकर्स भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करते हैं दोस्तों, अपनी लोकेशन को हाइड करने के लिए, अपनी कंट्री लोकेशन को चेंज करने के लिए, और हैकिंग पर्पस को पूरा करने के लिए भी हैकर्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करते हैं। तो हैकिंग से बचने के लिए भी वीपीएन का यूज होता है दोस्तों, और हैकिंग करने के लिए भी वीपीएन का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत से देश की सरकार, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन वीपीएन का यूज क्यों करते हैं दोस्तों? हैकिंग से बचने के लिए, अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए। कोडेड फॉर्म में डेटा ट्रेवल होता है दोस्तों, तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा ट्रेवल होता है, जिसके कारण उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, डेटा आसानी से हैक नहीं हो पाता, उनकी कंट्री लोकेशन चेंज हो जाती है दोस्तों, तो कोई अगर उनके डेटा को ट्रेस करने की कोशिश करता है तो उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि डेटा किस कंट्री से आ रहा है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको बच्चे समझ में आ गए होंगे दोस्तों। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के एडवांटेजेस को मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यूज कर आप किसी ब्लॉक वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं, आप किन्हीं ऐसी सर्विसेज का भी यूज कर सकते हैं जो वेबसाइट आपकी कंट्री में नहीं दे रही है, पर किसी अन्य कंट्री में वो सर्विस दे रही है, तो आप उन सर्विसेज का भी एक्सेस कर सकते हैं जो आपकी कंट्री में बैन है किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के द्वारा। आप एनोनिमसली किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों, गोपनीय तौर से आप किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर आप अपने देश की कंट्री लोकेशन चेंज कर कर किसी एक वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने डेटा को हैक होने से बचा सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती दोस्तों। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं आपके वीपीएन के। अब यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दोस्तों वीपीएन नेटवर्क के सारे एडवांटेजेस ही होते होंगे।
आप जानते हैं अगर किसी सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, किसी बात के दो पक्ष होते हैं, अच्छे और बुरे, वैसे ही वीपीएन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे दोस्तों। हम वीपीएन के डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। वीपीएन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो क्या है दोस्तों, कि हैकर्स वीपीएन का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं हैकिंग करने के लिए। हैकर्स बड़ी आसानी से वीपीएन का प्रयोग करके अपनी कंट्री लोकेशन चेंज कर सकते हैं दोस्तों, अपनी लोकेशन छुपा लेते हैं, जिसके कारण सरकार के लिए बहुत टफ हो जाता है, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बहुत टफ हो जाता है हैकर्स की लोकेशन ट्रेस कर पाना। तो ध्यान रखिएगा, हैकिंग से बचने के लिए तो वीपीएन का यूज करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज, गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेट कंपनियां, पर साथ ही साथ हैकर्स भी हैकिंग करने के लिए वीपीएन का यूज करते हैं दोस्तों। वीपीएन के जरिए बड़ी ही आसानी से वह अपनी लोकेशन हाइड कर लेते हैं, अपनी कंट्री लोकेशन चेंज कर लेते हैं और अपनी हैकिंग बड़ी आसानी से कर लेते हैं, एनोनिमसली, गोपनीय तौर पे वे हैकिंग पूरी कर पाते हैं दोस्तों वीपीएन का यूज करके। दूसरा ड्रॉबैक क्या है वीपीएन का? वीपीएन जो होते हैं ना दोस्तों, ये आपको पेड वीपीएन यूज करना चाहिए दोस्तों, जैसे आपका एक्सप्रेस वीपीएन होता है और नॉर्ड वीपीएन। कई बार आपके एंड्रॉयड वाले फोन में, एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में आपको फ्री वीपीएन एप्स मिल जाती है दोस्तों, विंडोज में भी कुछ फ्री एप्लीकेशन मिल जाती है आपको वीपीएन की। आपको फ्री वीपीएन देखा जाए ना दोस्तों, तो इन जनरल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बैकग्राउंड में वो खुद आपके इंफॉर्मेशन हैक कर रहे हो, आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशन चुरा रहे हो दोस्तों। वो गलत पर्पस के लिए वो आपके इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं या आपके इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए पेड वीपीएन और अच्छे वीपीएन यूज करना चाहिए दोस्तों, जैसे आपका नॉर्ड वीपीएन है और एक्सप्रेस वीपीएन है, टाइगर वीपीएन होता है, और इसके अलावा और बहुत से वीपीएन होते हैं दोस्तों। तो आपको एक अच्छे वीपीएन को यूज करना चाहिए और हो सके तो पेड वीपीएन को यूज करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यूज करके आपको स्लो इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है दोस्तों, आपकी ब्राउजिंग स्पीड बहुत स्लो हो जाती है वीपीएन का यूज करने से। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप जो भी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं या जिस भी सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो डायरेक्ट आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, आप वीपीएन सर्वर के थ्रू उस वेबसाइट या उस सर्वर तक कनेक्ट हो रहे हैं, और जो भी डेटा वीपीएन सर्वर आप तक भेज रहा है उस वेबसाइट के थ्रू, वो एनकोडेड फॉर्म में आता है दोस्तों, एनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है। तो डेटा को एनक्रिप्ट करने में डेटा आपके मेन सर्वर से पहले वीपीएन सर्वर के पास आएगा, फिर वीपीएन सर्वर आपके मोबाइल तक या कंप्यूटर तक उस डेटा को भेजेगा। तो डेटा घूम फिर कर आ रहा है दोस्तों, एनक्रिप्ट होकर आ रहा है, तो इसमें कुछ टाइम भी लगेगा। तो आपको ऐसी वीपीएन सर्विस यूज करना चाहिए दोस्तों, ऐसे पेड वीपीएन यूज करना चाहिए जो आपको अच्छी ब्राउजिंग स्पीड दे सके। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हमने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है ये समझ लिया, इसके एडवांटेजेस भी देख लिए और डिसएडवांटेजेस भी देख लिए। मैं एक बार आपको शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ दोस्तों वीपीएन को वापस से, क्योंकि हो सकता है बहुत से बच्चे इसको पहली बार ही पढ़ रहे हो और सुन रहे हो, तो एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ तो उनको और अच्छे समझ में आ जाएगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसी सर्विस है जिसके द्वारा आप अपनी कंट्री में जो इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन हैं उन्हें बाईपास कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यदि आपकी कंट्री में कोई एक वेबसाइट ब्लॉक है और आप उस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वीपीएन के द्वारा आप बड़ी ही आसानी से उस ब्लॉक वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। आप अपनी इंफॉर्मेशन को हैक होने से बचा सकते हैं वीपीएन का यूज करके। हो सकता है कि अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रेस कर रहे हों, हो सकता है आप कभी ऐसे पब्लिक वाईफाई या पब्लिक इंटरनेट को यूज कर रहे हों, जैसे आप मान लीजिए रेस्टोरेंट में हैं, होटल में हैं, या आप किसी एयरपोर्ट में हैं, वहां पे आप किसी वाईफाई के थ्रू अपना बैंक अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं, अपना डीमेट अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं, शेयर मार्केट की ब्रोकिंग कर रहे हैं दोस्तों, आप कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं किसी पब्लिक इंटरनेट नेटवर्क को यूज करके या वाईफाई नेटवर्क को यूज करके, तो आप वहां पर वीपीएन का यूज करते हैं अगर, तो आप बड़ी आसानी से अपनी जानकारी को हैक होने से बचा सकते हैं। इंटरनेट फ्रीडम को हासिल करने के लिए भी वीपीएन का यूज होता है दोस्तों। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं वीपीएन के, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यहीं तक ही हमको आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना था। देखा जाए ना दोस्तों, तो कोचिंग क्लासेस में आपको जनरली लैन, मैन और वैन तक के नेटवर्क पढ़ाते हैं, बहुत रेयर फैकल्टीज ऐसे होते हैं जो लैन से लेके कैन तक के नेटवर्क भी आपको समझाते हैं। फिर भी मैंने एक ही जगह पर आपको और अलग अलग और नए नेटवर्क समझाने की कोशिश करी है, ताकि कोई टेक्निकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें परेशान ना होना पड़े अलग अलग नेटवर्क को सर्च करने में, और एक ही जगह पे उनको सारा कंटेंट मिल जाए। देखा जाए ना दोस्तों, तो बैंकिंग और इंश्योरेंस में
ये लैन से लेके केन तक के ही नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी मैंने टेक्निकल स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, आईबीपीएस एसओ के स्टूडेंट्स को, एमसीए सीएसआईटी के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए और अलग अलग तरह के नेटवर्क भी आपके साथ डिस्कस करे हैं और समझाने की कोशिश करी है। अगर वीडियो लेक्चर बहुत लंबा बन गया हो दोस्तों तो मैं माफी चाहूंगा आपसे, पर आप जानते हैं कि कितने सारे अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क्स को हमने डिस्कस करा है और अच्छे से समझा भी है, जिसके कारण वीडियो का लंबा होना जायज था। आपको यदि वीडियो लेक्चर पसंद आया दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस वीडियो लेक्चर को लाइक करिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल पे थे पहल क्लासेस बाय हिरेन गुल सर में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में जाके बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए दोस्तों, और नोटिफिकेशंस में उसको ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगली बार मिलते हैं दोस्तों आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।